friends and welcome back to Learn News India Leo Cafe. Leadership is about being of service to others and not being served by others, being a mentor and not a boss. Come, let's meet one such successful leader, Leo Pooja Katarka from Leo Club of Mumbai Heritage Galaxy. नमस्कार दोस्तों, लाइंस न्यूज इंडिया लियो कैफे में आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं लियो पूजा से, जो कि लियो क्लब ऑफ हेरिटेज गैलेक्सी की प्रेसिडेंट है। नमस्कार पूजा। नमस्ते नमस्ते लायन, हाउ आर यू डूइंग? आई एम डूइंग फाइन, हाउ आर यू? आई एम फाइन एंड योर स्माइल इज रियली ब्यूटिफुल, इट गिव्स लॉट ऑफ एनर्जी टू स्टार्ट। थैंक यू सो मच। या सो सबसे पहले आपसे पूछना चाहते हैं कि आप प्रेसिडेंट बन के लियो क्लब ऑफ यू नो हेरिटेज गैलेक्सी, जो एक बहुत ही बड़ा नाम है हेरिटेज गैलेक्सी का, प्रेसिडेंट बन के कैसा लग रहा है? मुझे एक्चुअली आई एम फीलिंग वेरी ग्रेट, लाइक इट इज अ वेरी गुड प्लेजर फॉर मी टू यू नो बी अ प्रेसिडेंट एंड बी अ पार्ट ऑफ लियो क्लब, ऑनेस्टली टू सर्व पीपल एंड हेल्प द नीडी आउट देयर. So honestly, I'm very glad to be the president right now. Yeah. So, आप लियो as a you know लाइनिज्म में कितने सालों से हैं? Actually, मैं I guess 2014 से लियो क्लब में हूँ. Since my father and my parents are a member of Lions Club, तो उनके through I had joined. So yeah. Yeah. So being you know president in pandemic year, how it gives a feeling and what kind of challenges you faced this year? Actually, honestly, I did not have to face many challenges because I had a support of lot of people with me, especially if I say Viral Gala and Kamal Dhanuka ji, who is the president of my Lions Club home club, my father Kailash Gataruka, who is the region chairperson. So because of them, it has been very easy to conduct activities and, you know, with the help and what help they used to give me, it is very great. So yeah. I am really thankful for them. Nice. Actually, जब आपसे मैं बात कर रही हूँ तो I feel कहीं ना कहीं लियोस के लिए social media is very familiar for them. You know, जब वो colleges में होते हैं तब लियो होते हैं, तो for them it's really a great opportunity in a way जहाँ पे वो घर से ही काम कर सकते हैं, तो traveling part is you know somewhere वो कट रहा है तो time ज़्यादा मिल रहा है for मतलब yourself as well as आपको Lions Club के लियो क्लब के लिए भी ज़्यादा time मिल रहा है, right? very true. So आपने किस तरह की fellowship program किए हैं या किस तरह के service project किए हैं? Actually service programs तो काफी किए, online service programs भी काफी किए हमने, service activities, twinning activities काफी किए with different clubs, with district and Lions Club के साथ twin करके काफी activities किए हम लोग ने, independent activities भी काफी किए. एंड फेलोशिप एक्टिविटी एक्चुअली हमारा भी रिसेंटली ब्लड डोनेशन कैंप था विद ट्विनिंग 10 क्लब्स, तो उनके साथ हमने एक फेलोशिप एक्टिविटी किया था विच वॉज वेरी ग्रेट, आफ्टर द ब्लड डोनेशन कैंप क्रिकेट का फेलोशिप इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था विच वॉज वेरी फन एंड यू नो इट इंक्रीजेज द फ्रेंडशिप एंड द बॉन्ड विद अदर लियोज, सो आई थिंक दैट वॉज वेरी नाइस. एंड हमने ऑनलाइन एक्टिविटीज भी एक सावित्री बाई फुले स्कूल है उनके साथ हमने एक गुड टच एंड बैड टच के बारे में हमने एक्टिविटी किया था, कैंसर अवेयरनेस के बारे में किया था, फिर हेल्थ एंड फिटनेस के बारे में काफी एक्टिविटीज किए. सो या सो आगे आप किस तरह के प्रोजेक्ट सोच रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं आगे? आगे हमने एक्चुअली सोचा है कि बीच क्लीन अप एंड विथ ट्विनिंग विथ अ फ्यू लाइन लियो क्लब्स एंड हमने एक फंड रेजिंग भी सोचा था जो सैटेलाइट एरिया में जो स्टूडेंट्स वगैरह है जिनको पढ़ने के लिए दे डोंट हैव फंड्स, तो फंड रेजिंग करके वी कैन हेल्प देम आउट. तो ऐसे दो तीन एक्टिविटीज हमने सोचे है, सो वी आर ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट ऑन देम. ग्रेट. एंड अभी आपकी स्ट्रेंथ कितनी है क्लब की और आगे इसको किस तरह से बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं? अभी माय लायंस में हमारे 27 रजिस्टर्ड लियोज है, तो वी आर प्लानिंग कि फेलो मेंबरशिप ग्रोथ इंक्रीज हो हमारी, हम थोड़ा सा प्रमोशन कर रहे हैं, बट आई थिंक इट विल टेक अ लिटिल टाइम, बट आई थिंक हो जाएगा, वी कैन डू इट.
या देयर इज नथिंग कॉलिंग पॉसिबल, सो इफ यू आर ट्राइंग ऑब्वियसली वो होगा, आज नहीं थोड़ा लेट होगा बट होगा जरूर, बट होगा जरूर. यस एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस लायंस न्यूज़ इंडिया लियो कैफे? दिस इज अ न्यू सेगमेंट एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? It is a very great initiative to promote the Leos around all around the world and India, of course. I think abroad as well, abroad as well. India and world, like So I think बहुत अच्छा initiative है जिससे Leos को और motivation मिलेगा और ideas मिलेंगे कि क्या activities हो सकती है आगे जाके and क्या challenges actually लोग आगे दूसरे states में दूसरे countries में face कर रहे हैं. तो उससे हमें सिंस पता चलेगा तो हम वी कैन ऑर्गेनाइज अ फ्यू एक्टिविटीज जिससे वी कैन हेल्प अदर लियो क्लब्स आल्सो. या जो आपने कहा वो भी सही है और जो हम सोचते हैं कि जो लियो है दे आर वेरी एक्टिव, ना वो जो एज ग्रुप है बहुत ही एक्टिव एज ग्रुप है विद इनोवेटिव आइडियाज विद डिफरेंट थॉट्स. सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि वो सब आप हमारे इस यू नो लियो कैफे में कहीं ना कहीं यूटिलाइज करें. देयर आर पीपल जिनको बहुत कॉन्फिडेंस होता है, वो कैन होस्ट पार्टीज एंड एवरीथिंग, तो उनको फेलोशिप एक्टिविटीज के लिए हम एनकरेज कर सकते हैं कि आप आइए हमारे फेलोशिप में एंड यू नो ऑर्गेनाइज एन एक्टिविटी और इवेंट और समथिंग लाइक दैट जिसमें बॉन्ड बढ़े, फ्रेंडशिप बढ़े एंड यू नो वी कैन टॉक अबाउट ईच अदर्स क्लब्स एंड एवरीथिंग. या तो अभी हम उम्मीद करते हैं आप जो अपने मेंबर्स को भी मोटिवेट करेंगी ये लायंस न्यूज़ इंडिया लियो कैफे में जुड़ने के लिए और इसे देखने के लिए भी. ऑफ कोर्स या इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू पूजा. थैंक यू सो मच टू बी ऑन आवर सेगमेंट. चला जैसी कवारा फिर दासी कोड़िया दे पीछे मारा मारा एक था मोहल्ला सारा वेखदा नजारा एक पीपनी दाज की में वजना नगाड़ा एक शड़ी लाई टाइम शेर पंड पर न पानी पर उसकी कोई फ्रेंड कर दी सी कोड़िया उसे नाल चीट देखे जी स्वीट बिलांग रिपीट देखे जी स्वीट. Wow guys, what an amazing performance, so well synchronized and choreographed. I hope you all enjoyed it. So friends, with this, we come to an end of today's episode of Lions News India Leo Cafe. Stay tuned every Saturday 8 p.m. and don't forget to like, share and subscribe to support us.